नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल सभी यात्रियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। जी हां दोस्तों, भारतीय रेल सभी यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए एक नया नियम लागू करने जा रहा है। इस नए नियम के अंतर्गत आपको नया क्या देखने को मिलेगा? अगर आप ट्रेनों से सफर करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो आपको इस नए नियम के बारे में जान लेना चाहिए, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या है रेलवे का नया नियम? तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, जिससे कि आपको इस नए नियम के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाए। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, नई जानकारी के अनुसार IRCTC टिकट बुकिंग के समय यात्रियों से अब पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट की जानकारी भी मांग सकता है। IRCTC नए सिस्टम पर काफ़ी तेजी से काम चल रहा है, यानी कि अब आप अगर टिकट बुकिंग करने जा रहे हैं तो आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट से अपने IRCTC ID को लिंक करना होगा। वेबसाइट के जरिए या ऐप के जरिए ट्रेन टिकट बुक करने के लिए जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट नंबर की मांग आपसे की जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार ने बताया कि IRCTC के साथ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लिंक करने की एक योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा के खिलाफ इस नए नियम को लागू किया गया है, इसीलिए ट्रेन टिकट बुक करने के लिए अब आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे अन्य दस्तावेजों को लिंक करने का फैसला लिया गया है। इससे टिकट बुकिंग के दौरान फर्जीवाड़े को रोका जा सकता है। जानकारी के अनुसार टिकट बुकिंग का नया सिस्टम तैयार हो चुका है। इस नए नियम को जल्द लागू कर दिया जाएगा और इस्तेमाल भी शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे का कहना है कि रेलवे टिकट के दलालों को टिकट बुकिंग के सिस्टम से बाहर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो दोस्तों, रेलवे का ये नया नियम आपको कैसा लगा, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में आपको जानकारी देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।